हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। मैं सुमित भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको एक मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के बाद आज एक नई मेथड हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाली, जिसका नाम है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। तो मान लिया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से हमने इसके जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट करने हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास फैक्टर होंगे या रूट जिसको हम बोलते हैं वो होंगे ये, इसके समझिए, ये है x = -b + -√d/2a। यहाँ पे एक नया टर्म हमने यूज किया हुआ है, कैपिटल डी। समझते हैं कैपिटल डी है क्या। इस कैपिटल डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और इस फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो हम इजीली यहाँ से वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ सी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकालेंगे। इसके बाद जो b² - 4ac की वैल्यू होती है, b² - 4ac, देखिए b² - 4ac, इस वैल्यू को आप निकालिए, ये वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की। तो इस डी की जगह पर हमने यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है x = -b, एक बार पॉजिटिव लेंगे, √b² - 4ac/2a। ए बी सी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, इस इक्वेशन से मिल जाएंगी। देन एक्स के जो सेकेंड रूट होगा, इस इक्वेशन का जो सेकेंड रूट होगा वो क्या होगा, x = -b। आपसे मैंने बोला था दोबारा आपको आप किस मिलेंगे, नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में लेंगे ये हो जाएगा √b² - 4ac/2a। तो इस तरीके x के दो रूट हमें मिल जाएंगे। अब b² - 4ac को हम कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, स्मॉल कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो नाम है वो है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि अगर इसके रूट हैं तो आप रूट कैलकुलेट कीजिए। तो रूट हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पॉसिबल रूट हैं या नहीं है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो या तो हमारे पास 0 के अकॉर्ड आनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ओके, या तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0, या हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 से मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। सीधी सी कहने की बात है, या तो हमारे पास 0 आए या हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए b² - 4ac की। तो हम कहेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके क्या होंगे, हैज टू इक्वल रूट्स, मीन्स उसके दो इक्वल रूट्स, रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक उसके रूट्स होंगे, गुणनखंड होंगे। ओके, और अगर नेगेटिव इसकी वैल्यू आती है, अगर b² - 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे थे, इसकी वैल्यू अगर माइनस आती है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो ये मेथड है, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य जी ने ये फॉर्मूला दिया हुआ था, इसलिए उनके नाम पर इसे कहा जाता है श्रीधराचार्य रूल। ओके, तो आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपका श्रीधराचार्य फॉर रूल से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों टाइम पे यही मेथड को आपको यूज करना है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन द इन द क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में जो आपको एक क्वेश्चन दी थी, जिन्हें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने कंप्लीट किया था, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टू सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं
कौन सी मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ था और यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन की जो कंपेयर है इसको करेंगे कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, और ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसे हिंदी में विविक्त कर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विविक्त कर। तो हिंदी वाले भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी एक जरूरी है कि उनको हम बता दें कि ये हिंदी में से क्या कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विविक्त कर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसकी कंपेयर करेंगे। यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखिए जैसा पूरा का फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि पूरा फॉर्मूला जो सॉल्यूशन है वो ए बी सी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ पर लेके ही आनी पड़ेगी। तो हम अगर देखते हैं वैल्यू ऑफ ए कंपेयर करें तो ये हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो हो जाएगा -7, एंड वैल्यू ऑफ सी हमारे पास हो जाएगी 3। तो ये हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की तुलना कर ली और देख लिया कि ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। तो रूट्स रियल हैं चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि डी इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आनी चाहिए? या तो जीरो आनी चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, जीरो से बड़ी आनी चाहिए। तो जीरो से बड़ी नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डी को निकाल के देखते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ बी -7 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड मल्टीप्लाई सी वैल्यू ऑफ सी इज 3। तो वैल्यू निकालते हैं, -7 होल स्क्वायर इज 49, -4 2 8 और 8 3 24, और ये हमने वैल्यू निकाल दिया है, ये वैल्यू आ गई है 25। तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है 25। तो आप इजीली देख सकते हैं जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, मींस पॉजिटिव वैल्यू है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये अगर जीरो से ज़्यादा है, इट मीन्स इस इक्वेशंस के जो रूट हैं वो रियल हैं। तो रूट अगर रियल हैं तो वो आप उन्हें कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य रूल। ओके, या इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए x इक्वल टू ऐसे लिखिए माइनस बी ये फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं x इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू अगर हम रखें तो माइनस फॉर्मूला ये है और b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ब्रैकेट में रख लीजिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एच की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, यह है 25 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास 2, देन x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कैसे करना है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्लस माइनस की वैल्यू अगर हमारे पास आती है, एक वैल्यू प्लस माइनस है तो आप एक्स की वैल्यू एक बार पॉजिटिव, इसकी वैल्यू एक बार क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, मीन एक बार लेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4 2 अपॉन 4 12 अपॉन 4 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3। फिर दोबारा अगर हमें निकालनी है एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4, दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अगर आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि x की दो वैल्यू हमने वहाँ भी कैलकुलेट की थी और वो थी 3 एंड 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, उसे किस तरीके से किया जाएगा। सो स्टूडेंट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमारे पास यही है कि हम क्या कर लें, इस इक्वेशन की कंपेयर कर लें किसके साथ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ। ठीक है, यहां से हम वैल्यू लेके आते हैं, ए इक्वल टू हम वैल्यू लेके आ गए 2 एंड बी इक्वल टू अगर वैल्यू लिखी जाए तो 1 एंड सी इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी -4। अब सबसे पहले चेक करेंगे
कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो हमारे पास रियल हैं या नहीं है। तो रियल हैं या नहीं उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं डी, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट स्क्वायर फॉर्मूला पहले अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लें कि उसके रूट रियल हैं या नहीं है, जब रूट रियल होंगे तभी इस फॉर्मूले का आप यूज करें, ओके, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी हमने निकाली है 1 स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 2 एंड c इज माइनस 4। तो ये स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8 और 8 4 32। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया है 32। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो आती है इट मीन्स क्या है कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, वास्तविक इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को इजीली यूज कर सकते हैं, सिद्धाचार फॉर्मूले को। तो हमने देखा था कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, देखिए माइनस बी की वैल्यू है 1, प्लस माइनस अंडर रूट डी, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला हुआ है 33 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ a इज 2। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, एक बार इसको पॉजिटिव ले लीजिए 33 के साथ 4, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी ये, फिर दूसरे x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो माइनस 1, एक बार इसको नेगेटिव ले लीजिए माइनस 33 अपॉन 4। तो ये आ गए हमारे पास x के रूट, एक रूट ये आ गया x का और एक रूट हमारे पास आ गया x का ये। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। और ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3rd में उसी तरीके से अपना स्टेप हम दोबारा लिखेंगे। देखिए क्या करना है, इसको कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ ए इज 4, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4√3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 3। अब उसे चेक करने के लिए इसके रूल रूट हमारे पास रियल हैं या नहीं है, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कैलकुलेट करके देखिए, बी स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ बी 4√3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 3 एंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 3 इज 48 और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 48 माइनस 48 और ये वैल्यू आ गई है 0। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि डी की वैल्यू अगर 0 हो या 0 से ग्रेटर देन वैल्यू हो तो इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो रियल रूट्स अगर जब हमारे इसके निकल चुके हैं तो अब हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे सिद्धाचार के रूल से। तो यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी 4√3 देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 4, ओके। ये वैल्यू हमने रख दी है, जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई थी उन वैल्यू को हमने यहाँ पर वैसा का वैसा रख दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आती हैं, देखिए माइनस 4√3, तो इससे पॉजिटिव नेगेटिव लेने से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा रख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 या 2 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट कर लीजिए, वैल्यू हो जाएगी माइनस
अंडर थ्री अपॉन टू, और सेकेंड चांस में भी जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस अंडर थ्री अपॉन टू एंड माइनस अंडर थ्री अपॉन टू। तो इस तरीके से एक्स के रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, जो रियल रूट्स थे इन्हें हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसकी वैल्यू आ गई है एक्स इक्वल टू माइनस अंडर थ्री अपॉन टू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब स्टार्ट, और अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में देखिए, इस पार्ट को भी हम कर लेते हैं, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टू, एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू वन, एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू फोर। इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देन डी इक्वल टू बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ वन माइनस फोर मल्टीप्लाई ए टू मल्टीप्लाई सी इज फोर। डी इक्वल टू वन माइनस, ये आ गया मेरे पास वैल्यू, फोर टू जा एट एंड एट फोर जा 32। तो ये वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स आ रही है डी इक्वल टू माइनस 31। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है स्टूडेंट माइनस 31। तो हम देख रहे हैं जो डी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, मीन्स जो डी की वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ रही है, और लेस देन जीरो नहीं आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि जो इक्वल जो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो होती है या जीरो से ज़्यादा होती है तब तो उसके रूल्स रूल रियल होते हैं। बट यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो छोटी आ रही है किसे, जीरो से। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे, द सॉल्यूशन हैज़ नो रूट्स, द सॉल्यूशन हैज़ नो रूट्स। इस इक्वेशन के कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से इसमें पहचानना है कि किस तरीके से उसका डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू जीरो आ रही है या जीरो के बराबर आ रही है या जीरो से ज़्यादा आ रही है या जीरो से कम आ रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इसी तरीके से मैथ इजी मेथड से पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।